जैंटू एम ओपन माइक का उत्सव हुआ, मुक्तक भाषा का उत्सव, सही मायने में ये उत्सव था। क्योंकि जैसे उत्सव में होता है कि लोग मुस्कुराते हैं, मिलते हैं, अपनी बातें बांटते हैं और एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, आज सही मायने में ऐसा लग रहा है कि हिंदी को सेलिब्रेट किया गया है, हिंदी का एक उत्सव मनाया गया है। हिंदी सम्मेलन होते हैं, काव्य सम्मेलन में तो काव्य पाठ होता है, आप बताते हैं हिंदी का वर्चस्व क्या है, और हिंदी को त्यौहार की तरह जो मनाया गया है, जो हम सब ने मिलकर बातें की हैं, परिचर्चा हुई है, कविताएँ आई हैं, दोहे गाए गए, संगीत लाया गया, तो ऐसा लगा पूरा पैकेज, जैसे बोलते ना मास एंटरटेनर फिल्म होती है, उसी तरीके से शो हुआ है। मैं रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। सर आपने बहुत अच्छी कविता अंदर सुनाई कि आपने दो बच्चे के लिए फादर हैं, तो इतने सारी कुड़ियों के साथ फिर फोटो कैसे खिंचा लिया? देखिए वो मैं इस विश्वास के साथ सुनाता हूँ कि जो साथ में मेरे आए हैं वो कुछ बातें छुपाएंगे भी, और कुछ कुछ समान हमारे पंडित जी ने बताया कम से कम अगले 5 साल तो तुम्हारा तलाक नहीं होगा, तो ये अब मेरे उनकी ओपन चैलेंज की दौड़ चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि देखते कौन जीतता है, कहाँ जीतता है, और कैसे भी इतनी सुंदर महिलाओं का दिल दुखा के लिए कहाँ जाइएगा। सो निहारिका जी, आपको आज का इवेंट कैसा लगा और मार्टिन मॉम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का प्रोग्राम रहा है, ये जो पूरा कार्यक्रम किया गया है हिंदी भाषा के सम्मान के लिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी विदेशी भाषा या किसी भी ऐसी भाषा जो कि एक एज अ इस तरह इस्तेमाल की जा रही है कि लोगों का मीडिएटर बने, उसकी वजह से किसी प्रादेशिक भाषा को निम्नतर स्तर पर नहीं लाना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मेरा भी ऐसा मानना है कि हमें हमारी मातृभाषा में काफ़ी सारे काम करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। यकीन मानिए मुझे महाराष्ट्र पर भी बहुत गर्व है कि यहाँ पर इनकी प्रादेशिक भाषा मराठी को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी तरह भारत में भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी प्रादेशिक भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मार्टो मॉम के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। एक ऐसा मंच जो उन लोगों को, जिसने बहुत सारे लोगों को जीने के मकसद भी दिए हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कार्यक्रमों का इंतज़ार करते हैं। मार्टो मॉम एक ऐसा मंच है जो ना सिर्फ लोगों को जोड़ रहा है, बल्कि आप कितना प्रोडक्टिव हैं उस पर भी बहुत जोर दे रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा योगदान भी दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्टो मॉम जैसे मंच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोगों को जोड़े, क्योंकि आजकल की जो डिजिटल दुनिया है इसमें आपका जो पर्सनल लेना देना है वो इतना नहीं है, हम पर्सनली लोगों से मिल ही कितना रहे हैं, और डिजिटल दुनिया में आप सिर्फ एक अकाउंट हैं, आप लोग नहीं हैं। तो पर्सनल जो आपका लोगों के साथ मिलना रहता है, पर्सनल जो टच रहता है, पर्सनल जैसे हम एक दूसरे के साथ भावात्मक रूप से जुड़ पाते हैं, वो सब तभी हो सकता है जब हम इस तरह मिलें, इस तरीके के कार्यक्रम करें, अपनी अपनी प्रतिभाओं को सामने लेकर आएँ और दूसरों से भी सीखें कि हम और क्या नया कर सकते हैं। इसलिए मार्टो मॉम जैसे मंच बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। मार्टो मॉम आपको देखूँ या मार्टो मॉम के लिए 2 शब्द नहीं, मार्टो मॉम के लिए हम 1000 शब्द कहेंगे, 1000 कविताएँ लिखेंगे कि अब देखिए जो हर एक रिश्ता है उसका जो धागे जो पिरोता है वो तो माँ ही करती है। तो मार्टो मॉम को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, मुक्तक आता रहे हर साल, अगर हर महीने भी आए तो हम पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत प्यार आप सभी। दिल के बहुत करीब है एक ग्रुप, शुरुआत हुई एक मेंबर से मिलके और उसके बाद एक परिवार सा बनता गया, और आज इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए यहाँ पे आकर हमने जो अपना परफॉर्मेंस दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद टू द एंटायर कम्युनिटी मार्टो मॉम की। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम विमेन, हम लोग को एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, वी आर बॉर्न विथ एम्पावरमेंट, एंड आई एम श्योर मार्टो मॉम कम्युनिटी इज प्रूविंग दैट, पूरा प्रूव कर रहे हैं वो कि वी कैन डू और हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। थैंक यू त्रिपाठी। मैं आज इस मुक्तक उत्सव के विषय में बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर की गई है, और जो भाषा के विषय में जो संवाद किया जा रहा है, जो परिचर्चा हुई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया यहाँ पर, और मैं इस परिचर्चा में
प्रतिभाग कर पाया और आप सबके सामने उपस्थित हो पाया और आप सबको समझ पाया, आपके इस मकसद को समझ पाया जो हिंदी भाषा दिवस के रूप में हिंदी भाषा की प्रोन्नति के विषय में आप इतना सब कुछ सोचते हैं, इतना सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से ही विनती करूँगा कि आपका ये जो समूह है, ये ग्रुप है, ये उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, बहुत आगे जाए, काफ़ी तरक्की से। धन्यवाद। माटुमोह मेरी एक ऐसी कड़ी है मेरी लाइफ में जो बहुत सारे सब महिलाएं भागती रहती हैं, अपने काम करती रहती हैं, पर कुछ ही चीज़ें हैं जो हम अपने लिए कर पाते हैं, जो हमारी पसंदें हैं, कविता है, गीत हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं। सो माटुमोह माइक एक ऐसी कड़ी है जो मुझे मुझसे जोड़ के रखती है। आज यहाँ पर आके समारोह में आके जहाँ हिंदी की बात हो रही है, हिंदी मेरी भी मातृभाषा है, और जैसे हम बहुत लोगों ने कहा, पहला जो विचार आता है, पहली जो कविता मन से निकलती है वो हिंदी में ही निकलती है, तो यहाँ आके आज बहुत मज़ा आया और माटुमोह मेरे लिए यही एक कड़ी बनी रहेगी जो मुझे मुझसे जोड़ती रहेगी। धन्यवाद। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा MTM की टीम को और माटुमोह कम्युनिटी को जिन्होंने हिंदी दिवस का आयोजन किया है और मुझे इस मंच संचालन का संध्या जी के साथ एक मौका भी मिला है। तो पूरे साल में जिस चीज़ का हमें इंतज़ार रहता है, जिस चीज़ को संचालन करने का, वो रहता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस मनाने के पीछे का महत्व ये है कि हिंदी जो भाषा है वो आजकल हमारे यहाँ पे विषय की तरह पढ़ाया जा रहा है। हमें हिंदी को विषय की तरह नहीं, हमें हिंदी को भाषा की तरह पढ़ाना चाहिए। तो इसी हिंदी को हमें जिंदा रखना है और इसके लिए बस दो लाइन के साथ मैं अंत करूँगा कि अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, अगर उसूलों में आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति अग्रवाल सर, पूछना चाहूँगा कि आज ये है क्या और आप किसको हमारी जनता से मिलाना चाहते हैं? सो आज हम मना रहे हैं मुक्तक उत्सव भाषा का, हिंदी दिवस का ये कार्यक्रम है जिसमें हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए और इसके लिए हम सब बहुत लोग जुड़े हैं आज और पूरा प्रोग्राम चल रहा है और अवंतिका आई है यहाँ जो एक मॉम इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस हेड है शी द पीपल में। सो अवंतिका कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए ज्योति और माटू मॉम की जो एक कोशिश है मैं उन लोगों को बहुत बधाई देती हूँ और मैं सराहना करती हूँ कि ऐसे ओपन माइक और आयोजन किया जाए ऐसे कार्यक्रमों का, क्योंकि हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्योति बोली रही थी, फ्रांस जाएँ, चाहे मैं 3 साल चाइना में थी, चाइना में भी सब अपनी भाषा बोलते हैं और हम ही हैं हिंदी, इंडिया में रहते हुए हमें इंग्लिश बोलनी है, तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ की आज। एक छोटा सा सवाल मेरा, आज के तारीख में, आज के डेट में जो इतना बड़ा इशू निकल रहा है इंडिया भारत, हाँ, तो पहले भारत था या पहले इंडिया? देखिए दोनों ही है मेरे हिसाब से, भारत इंडिया में, इंडिया भारत में, क्यों? लेकिन भारत तो हमारा पुराना सांस्कृतिक शब्द रहा है, इंडिया तो इंडस नदी की वजह से इंडिया बना है, तो हिंदी में वही बात है, इंडिया इंग्लिश शब्द है, हाँ वो तो है, भारत हिंदी शब्द है, तो आप क्या कहना चाहिए, भारत ज्यादा से है दोनों से, दोनों हमारे लिए, हाँ, तो भारत से वो है कि अपनी धरती वाला फीलिंग आती है, मेरे देश की धरती वाला भाव आता है, इंडिया से थोड़ा मॉडर्न भाव आता है क्योंकि हम आजकल के ज़माने में रह रहे हैं तो वो भाव आता है, पर हाँ भारत से थोड़ा ज़्यादा लगाव लगता है। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अटेंड की पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हिंदी दिवस में माटुमोह को लेकर, थीम को लेके प्रोग्राम चला है। थोड़ी बहुत जो सुनी हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद सुनी हूँ कि वो हिंदी दिवस अब ऐसे मनाया नहीं जाता है और ऐसे मनाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को इसका अवेयरनेस होना चाहिए, और बड़ा अच्छा लगा ये देख के, बिकॉज लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो हमें सोशली रिच करती है और हिंदी तो उसका बोलना, मतलब उसको, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, सारी दुनिया हिंदी बात करती है और हमें सबको एक दूसरे से जुड़ती रहती है। नमस्कार, सादर वंदन, मैं शशिदीप
जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और लेखिका हूँ, द्विभाषी लेखिका हूँ। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट हुई हूँ, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरह से मार टू मॉम और एम टू एम माइक ने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, आज भाषा मुक्तक भाषा का उत्सव नाम दिया है, वो अपने आप में बहुत गौरवशाली है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं पूरा आज हिंदी भाषा में डूब गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी भाषा, जिसमें रोज लिखती हूँ, मैं काफ़ी आर्टिकल्स लिखती हूँ, द्विभाषी हूँ, पहले मैंने काफ़ी अंग्रेज़ी में लिखा, लेकिन अब मैं सप्ताह में कई ऐसे आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ जो पूरे देश के कई पेपरों में आता रहता है सामाजिक सरोकार के ऊपर। तो मेरी हिंदी को तो वैसे भी लोग बहुत सुनते रहते हैं और मैं काफ़ी लिखती हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो आज सबको सुन रही हूँ, उस बात की मुझे बहुत खुशी है। और एम टू एम माइक ने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है, और पूरे मुंबई से बाहर से भी लोग इसमें आए हुए हैं और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अत्यंत गौरव की बात है। मार टू मॉम की पूरी टीम को, जो ज्योति अग्रवाल को, और जितने लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उस सबको हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ हिंदी दिवस की। जय हिंद, जय भारत, बस यही कहना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षा खन्ना, मैं मार टू मॉम से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज हम मना रहे हैं मुक्तक उत्सव भाषा का, इसमें आप हिंदी भाषा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। आइए, जुड़िए हमसे, हमें आपका इंतजार है। आज मुझे मार टू मॉम इवेंट जो हिंदी भाषा के लिए किया गया है, उसके लिए मीत के साथ मंच संचालन का मौका मिला। आज मीत के साथ मंच संचालन करते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने अपना बचपन फिर से जी लिया। हिंदी बचपन से ही हम सीखते आए हैं, बोलते आए हैं, हिंदी में ही हमने शुरुआत की है। हिंदी मेरे लिए मेरी माँ के जैसे है। हिंदी अगर नहीं है तो शायद मैं भी नहीं हूँ। लॉकडाउन से मैंने कुछ लिखना शुरू किया, वहाँ हिंदी का मुझे पूरा सहयोग रहा। आज जैसे ही ये मौका मिला कि मुझे हिंदी दिवस के लिए मंच संचालन करना है, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति रही। मार टू मॉम इसी तरह के प्रोग्राम्स और करता रहे और हमें बुलाता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नमस्ते सभी को, मेरा नाम हरीना कालिया है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ प्रोफेशन से, बट सिंगिंग में काफ़ी रुचि लेती हूँ। आज मुक्तक में पल्लवी जी और ज्योति जी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये इवेंट ठाकुर कॉलेज में, काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही कलर ऐसे कलाकार लोग आए हैं, डांसर्स बोलो, सिंगर्स बोलो, उसमें मैंने भी आज एक परफॉर्मेंस दी है हिंदी दिवस के तब पर। और मैं आशा करूँगी कि सब लोग ऐसे ही आगे चलते आए, ये कलाकारों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता रहे, और साथ ही में सब हिंदी भाषा का महत्व ना भूले, बिकॉज आज की जनरेशन इंग्लिश का टेक्नोलॉजिकल है, सब इंग्लिश में बात करते हैं। लाइक इवन मुझे थोड़ा हिंदी शुद्ध बोलने में तकलीफ होती है ज़रूर, बिकॉज हम बचपन से इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, सब हिंदी का मतलब भूल ही चुके हैं। सो मैं चाहूँगी कि हम सब हिंदी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना इंग्लिश को देते हैं, और आज के इवेंट को ज़रूर आप लोग देखिए एंड दिल खुश हो जाएगा आपका सबकी परफॉर्मेंसेस देख के। शुद्ध हिंदी, हाँ तेरे नाम से जलूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आजी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। नमस्कार, मैं पल्लवी मेहता, आज इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम मुक्तक उत्सव भाषा का बहुत ही सुंदर आयोजन ठाकुर कॉलेज में किया गया, और बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि सब यहाँ पर आए, अभिनव नागर जी, राकेश तिवारी, लीला जोशी और अलका अग्रवाल, अनिता विजयवर्गीय, अमिता केड़िया, और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला ठाकुर कॉलेज का भी,
और ये मॉम टू मॉम कम्युनिटी और एम टू एम माइक का बहुत ही सुंदर आयोजन था। धन्यवाद। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए। हमारे इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं और अगले साल हिंदी दिवस का कार्यक्रम जरूर होगा। पर इसके अलावा ओपन माइक्स होते हैं, एम टू एम ओपन माइक के वो ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो आप उसमें ज़रूर आइए। और हमारा फेसबुक पेज है एम टू एम ओपन माइक, इंस्टाग्राम का हैंडल है एम टू एम ओपन माइक, आप दोनों जगह हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे ख्याल से लगभग 5 साल जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में आना जाना रहा। इस बार का कार्यक्रम थोड़ा खास और इस तरह से हो गया है क्योंकि इस बार का आयोजन मुक्तक हिंदी दिवस के उपलक्ष में मनाया जा रहा है और बहुत से खूबसूरत उम्दा कलाकार यहाँ पहुँचे हैं और सबको सुनने में देखने में मज़ा आ रहा है। और मेरी आगे के आयोजनों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं मातू मॉम को, और इसी तरह ये रिश्ता आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ और यहाँ आकर जितना हर्ष मुझे हो रहा है मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले कृतज्ञ हूँ ज्योति जी की और नॉट मॉम ओपन माइक एंड जो भी इनका मंच है, मतलब सभी लोग मिलकर जितने भी मंच हैं मिलकर एम टू एम के टोटल में। सो वो सभी जो हिंदी को मान ले रहे हैं, कहते हैं ना कि हम लोग हिंदी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद हिंदी हमको बढ़ा रही है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जब वो भाषा एक ऐसी भाषा हो जिसे हम अपने मन से महसूस करते हों तो वो बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंचती है। तो मैं यही कहूँगी कि नमन हिंदी, हिंदी है तो हम हैं और हिंदी है तो हम मन की बात कह सकते हैं, क्योंकि आप पाश्चात्य भाषा में कितनी भी बातें कर लें शायद वो मन की बात कभी कह ही नहीं पाते, बट आप प्यार से कह दें कि हाँ बहुत प्यार है तुमसे, तो बस यही बात ऐसी है कि बहुत झट से दिल को छू जाती है। सो हाय, मेरा नाम है भैरवी मामनिया एंड मैं बाय प्रोफेशन एंकर एंड इवेंट प्लानर हूँ। और आज मैंने एम टू एम माइक का ये मुक्तक उत्सव भाषा का जो अटेंड किया है, सच बताओ इतना मेरा माइंड ग्लो हो चुका है। मतलब ये इतनी परिकल्पना इतनी बढ़िया है कि उत्सव मनाया जा रहा है किसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये उत्सव की जो परिकल्पना है वो ही सबसे पहले तो बहुत 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 बढ़िया रही। और इतने अच्छे अच्छे कवि आए, इतने अच्छे हमने कविताएँ सुनी, दोहे सुने, ऑलमोस्ट स्टैंड अप कॉमेडी सुनी, वो भी शुद्ध हिंदी में, तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एम टू एम हमेशा से कुछ नया देने की कोशिश करता आ रहा है और हमेशा से बहुत 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 सुंदर सफलता इनसे मिलती है। तो मेरे बहुत सारे गुड विशेज हैं एम टू एम को, भविष्य में भी ऐसे ही बहुत से बढ़िया प्रोग्राम करते रहे और हम इसी तरह इसे अटेंड करते रहे, इंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे, पहले तो नमस्कार, और ये मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। माटू मॉम ने मंच ने जो सबको जो मंच प्रदान किया है, कलाकारों को, रचयिता को, कवियों को, गीतकारों को, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो किया गया बहुत ही शानदार प्रस्तुति की है इन्होंने, क्योंकि हिंदी सिर्फ राष्ट्रभाषा मातृभाषा ये विषय नहीं है, हिंदी एक माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का, और यही माध्यम माटू मॉम जो उनका सोशल मीडिया पर भी और जो इवेंट के जरिए पहुँचाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है अभिनव नागर और एम टू एम के इस मुक्तक फेस्टिवल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मानता हूँ कि हिंदी बिल्कुल बेरोकटोक भाषा है, और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि हिंदी तेरी खूबसूरती ये है कि तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है, तुझे सही बोले या गलत कोई इज्जत नोचता नहीं। तो हिंदी की इतने हिंदी पर इतना प्यारा डिस्कशन हुआ इला जी के साथ और ज्योति जी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आकर। और जितना हो सके, जितना आप हिंदी को जानते हैं, अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर बोलिए आपकी अपनी भाषा, बहुत बढ़िया। क्या प्रोग्राम में आप आए हैं, क्या माटू मॉम जो है
एक आदमी पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद जब थक हार कर अपने घर आता है तो घर पर आने का जो सुकून होता है वो सुकून है माटू मॉम के पृष्ठभूमि पर वापस आना, माटू मॉम के मंच पर वापस आना। जिस तरीके का काम माटू मॉम की पूरी कम्युनिटी कर रही है, ये सिर्फ कलात्मक और सृजनात्मक जो फोरम्स हैं मुंबई के उन्हीं के उनके डेवलपमेंट के नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण पे जो असली काम होता है, जो जो ग्राउंड जीरो पे काम होता है, वो काम हो रहा है। आज हिंदी दिवस के इस आयोजन में इतने सारे बेहतरीन शहर के कलाकारों को बुला करके एक आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी जगह दी गई, मुझे भी मंच दिया गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं तहे दिल से सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं उसी तरह से काम करते हैं। आज 5,000 लोगों की फैमिली है, 5,000 लोगों का परिवार है, ये 50,000 तक पहुँचे और उसके बाद लाखों में पहुँचे, ये हमारी दरख्वास्त गुजारिश और शुभकामनाएँ हैं। मैं मार्टू मॉम कम्युनिटी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। मार्टू मॉम को अगर आपको अगर अपने लहजे में अगर बोलना चाहें तो किस तरह? मैंने अभी जैसे वही कहा कि मेरे गज़ल का मकता था बतौर खास शेर की, खिलाती है वो बच्चे को किसी सस्ते खिलौने से, वो इस बच्चे में एक सपना सजाना सीख लेती है। तो जितनी माएँ हमारे M2M कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों ने M2M कम्युनिटी को, इस फोरम को अपने जीवन का सब कुछ दिया हुआ है, ये उनका सपना है और ये उस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अभिनंदन मैं किसी शब्द में नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। माँ टू मॉम आपकी जो संस्था का नाम है वही बड़ा खूबसूरत है। माँ यानी बरसों से हम जिस शब्द को सुनते और बोलते आ रहे हैं, और मॉम यानी कि इसमें आधुनिकता का भी समावेश है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे हमारी मम्मियाँ मॉडर्न हो गई हैं, वैसे हमारी हिंदी भी मॉडर्न हो गई हैं। हिंदी में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, नए नए तरीके के गाने लिखे जा रहे हैं, हिंदी में अब रैप भी किया जाने लगा है, जो पाश्चात्य संस्कृति की झलक हमें दिखलाती है। लेकिन अब आपने संस्कृत में भी रैप सुनना शुरू कर दिया होगा, संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है, तो हिंदी ने हर भाषा से सब कुछ कुछ ना कुछ लिया हुआ है। और हिंदी सबको जितना देती है, सबसे जितना लेती है, हम सबके बीच जितना जिस तरह से हिंदी का प्रचार और प्रसार हो रहा है, और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे खुशी है कि इंडिया का नाम अब भारत रखा जा रहा है, भारत जिसे हमने बचपन से ही जो हमारा सपना था, इंडिया का नाम अब भारत हो रहा है, वो आज शायद फलीभूत होता दिख रहा है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है और आज उसके एक हफ्ते पहले ये कार्यक्रम आप लोगों ने रखा। मी टू मॉम जो कम्युनिटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, जो मुंबई का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके प्रांगण में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम सब मिलकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। नहीं क्योंकि नहीं यार बहुत अच्छा है यार, हमें तो चाय जैसे पदार्थ लोग ठंडे ही देते हैं, ये कुछ नया हो गया, वरना हमें फूल भी जो बंदे ही देते हैं।